Yesterday also I was talking about this with another selected aspirant कि accumulated knowledge जो होती है 4 साल 5 साल 10 साल की that pays off at some or the other time. तो हम specially UGC में और exams में ये problem face करते हैं. Lot of students are hell-bent on the fact कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, आप इतना depth में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये तो कभी काम नहीं आने वाला है. सो वी हैव टू कन्विंस देम कि ये यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर टीचर्स लेक्चरर्स ऑफ दिस कंट्री, आपको इतना तो पता होना चाहिए. राइट. तो आई थिंक एनटीएससी जैसे एग्जाम में स्कॉलरशिप होल्डर एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस इज द टाइम व्हेन आई थिंक दैट पेड ऑफ. तो टाइम बच गया, कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है कि यार ये मुझे आता है, आई डोंट हैव टू स्पेंड टाइम. Hi everyone, my name is Anuj Jindal, welcome to my channel. Today I have Neeraj Patil with me, who has cleared RBI Grade B 2021 examination, the results of which were declared very recently. He's from Thane, Mumbai, and that was the area which we just discussing about it, where I also worked when I was in SBI for quite some time. So I can basically relate with the area, if not from Neeraj himself, in the short span of time. So before we start with the actual interview with the questions and answers, I would want that Neeraj tell you some basic things about himself, about his education, about his previous attempts at UPSC, etc., etc. और फिर उसके बाद हम strategy पे आएंगे. Neeraj. Yes. Hello everyone. So I graduated in 2017 from VJTI Mumbai in electrical engineering. So since then I had decided to appear for the civil services exam. So I have appeared in the civil services exam thrice, and I have written 2 mains, but could not reach to interview stage. So in RBI 2021, this was my first attempt, and as we know, as I was very new in this examination, so I had a lot of help from my UPSC preparation, and also when I got selected for the RBI interview, then I completely focused on RBI part. And I think maybe that got me success. Yes, certainly. Interview start karte hain when we talk about the strategy, about how you prepared for phase one, phase two, and the interview part. And chatting tumhari strategy rahi, do's and don'ts and all those things. So let us start with phase one. Of course, CSAT se help mila hoga, but specifically, what did you follow for RBI? Okay. So reasoning और quantitative aptitude, ये चीजें मैं बहुत बहुत बचपन से करते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 4. तो आई वाज आल्सो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप होल्डर. सो ये सब चीजें जो मैंने पहले किए थे, वो बहुत हेल्प किया मुझे रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में. और जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था, वो उसमें मैंने नॉर्मली ये जो बैंकिंग के करंट अफेयर्स मैगजीन्स होते हैं वो यूज किए, और ऑब्वियसली यूपीएससी के करंट अफेयर्स का बेस तो था ही. और इंग्लिश के लिए मैंने वैसे तो कुछ किया नहीं था स्पेशली, लेकिन ये सब चारों चीजें मिला के मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे बिफोर एग्जाम, क्योंकि मेरा जैसे ही मेंस यूपीएससी का मेंस जनवरी में हो गया था, तो आई हैड दैट 1.5 मंथ विंडो, सो आई यूटिलाइज टू माई बेनिफिट. एज सच कोई बुक्स मैंने फॉलो नहीं किए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस ही की थी मॉक टेस्ट की. तो आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था. राइट. इसको नॉर्मली रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं. नंबर वन, यस्टरडे आल्सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस विद अनदर सिलेक्टेड एस्पिरेंट, कि एक्यूमुलेटिंग नॉलेज जो होती है 4 साल 5 साल 10 साल की, दैट पेज ऑफ एट सम ऑफ द अदर टाइम. करेक्ट. तो हम स्पेशली यूजीसी में और एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हेल-बेंट ऑन द फैक्ट कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, आप इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये तो कभी काम नहीं आने वाला है. सो वी हैव टू कन्विंस देम कि ये यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर टीचर्स लेक्चरर्स ऑफ दिस कंट्री, आपको इतना तो पता होना चाहिए. राइट. तो आई थिंक एनटीएससी जैसे एग्जाम में स्कॉलरशिप होल्डर एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस इज द टाइम व्हेन आई थिंक दैट पेड ऑफ. तो टाइम बच गया, कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है कि यार ये मुझे आता है, आई डोंट हैव टू स्पेंड टाइम. एंड आई थिंक मॉक टेस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग वेरी पॉपुलर, स्पेशली यूपीएससी और आरबीआई में इट इज वेरी वेरी यूजफुल.
जितने ज्यादा मछली सीखोगे उतना फायदा होगा. Were you giving time to analysis of those mocks? And if yes, then how? Yes, sir. डेफिनेटली सर, पहले तो मैंने यूपीएससी का जो मेरा जो प्रैक्टिस था उसमें, वो यूपीएससी का अप्रोच और आरबीआई का अप्रोच टोटली डिफरेंट अप्रोच है. यूपीएससी नॉर्मली फोकसेस ऑन कंसेप्चुअल थिंग्स और आरबीआई थोड़ा थोड़ा कभी कभी फैक्चुअल थिंग्स भी पूछ लेते हैं जनरल अवेयरनेस में. तो मेरे मिस्टेक्स होते थे क्योंकि जनरल अवेयरनेस में कुछ फैक्चुअल चीजें मुझे पता नहीं रहती थी. तो वही मैंने वो जो मेरे वीकनेसेस आए निकल के, कि जो फैक्चुअल चीजें उसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे, या रीजनिंग और एप्टीट्यूड में वैसे तो कुछ ज्यादा वीक एरियाज नहीं थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जैसा पार्ट था जो जो मेरा हमेशा गलत होता था या फिर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता था. तो बेसिकली मॉक टेस्ट से मुझे यही समझ में आया कि व्हाट आर माय वीक एरियाज, एंड सो वो वीक एरियाज पे ही काम किया मैंने, क्योंकि जो स्ट्रेंथ थे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैंने आई जस्ट फोकस्ड ऑन माय वीक एरियाज एंड आई इंप्रूव्ड अपॉन दिस. आई थिंक वेरी नाइस. बेसिक एनालिसिस तुमने बताया है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें. स्पेशली यू डिड दैट इन जनरल अवेयरनेस पार्ट एंड यू वर्क्ड ऑन इट. ओके, लेट्स मूव टू फेज टू नाउ, बिकॉज़ आई थिंक वहां पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा. ईएसआई आई थिंक ऑल योर यूपीएससी प्रेप मस्ट हैव हेल्प्ड इन रिवाइजिंग इट. इट वुड हैव बीन लाइक अ रिवीजन फॉर यू. व्हाट हैपेंड इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट? हाउ डिड यू कवर इट एंड हाउ डिड यू इंप्रूव अपॉन इट इन दैट शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम? ओके, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिफोर प्रीलिम्स मैंने कुछ मैनेजमेंट का या फिर जो भी यूपीएससी के रिलेटेड नहीं है उसका कुछ ज्यादा यूपीएससी के अलावा. सो मैंने यही पॉइंट्स निकाले कि जो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है वो मैं कैसे कवर कर सकता हूँ. तो आई थिंक देर वॉज प्रीलिम्स एंड मेन्स, बिकॉज वो रिजल्ट आने के लिए एक वीक लग गया था. और उसके बाद मैं ऑब्वियसली यूपीएससी मेंस के भी एक्सपेक्टेड था कि मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा, तो मेरा वो भी साइड बाय साइड चल रहा था. तो फिर मैंने यही नोटिस किया कि मैनेजमेंट जो पार्ट है वो कम्प्लीटली नया है. तो उसके लिए मैंने यूट्यूब से हेल्प लिया. मेरे एक यूट्यूब चैनल से मैंने वीडियोज देखे, वो जो कंसेप्चुअल थिंग्स थी, वो बहुत सारे थेरीज थी, तो वो मैंने कर ली और उसके शॉर्ट नोट्स निकाले मैंने एक नोटबुक में. और उसके बाद जो फाइनेंस का पार्ट था उसके लिए आरबीआई का प्री ट्रेनिंग जो आरबीआई ने एक इंस्टीट्यूट से टाइप किया था, तो उनके जो स्टडी नोट्स थे तो उससे मैंने वो फाइनेंस का पार्ट किया था. बैंकिंग का जो पार्ट था उसमें ऑब्वियस थोड़ी सी आइडिया थी यूपीएससी के वजह से, लेकिन जो थोड़ा डीप में करना पड़ा वो भी मैंने स्टडी नोट से किया था. तो एज आई हैड वेरी लेस टाइम, सो आई जस्ट फोकस ऑन दोस थिंग्स विच वेर न्यू टू मी. एंड आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट का जो था मैंने अच्छे से किया आई बिलीव, तो उसके वजह से शायद मुझे हेल्प हुआ होगा. और अगर अभी हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव का यही अच्छा था कि मुझे ऑलरेडी दो मेन्स यूपीएससी मेन्स का जो एक्सपीरियंस था तो वो मैंने कैपिटलाइज किया उसमें. लेकिन इधर एक चीज अलग थी, वो थी टाइपिंग और उधर उधर होता है राइटिंग. तो टाइपिंग के लिए एक्चुअली ये मैं मेरा मिस्टेक मानता हूँ कि मैंने टाइपिंग की ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी. तो एक्चुअल एग्जामिनेशन मुझे वो इशू फेस करना पड़ा. शायद मेरा एक भी आंसर एक्चुअली उन्होंने जो वर्ड लिमिट दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था. मतलब सब आंसर्स में थोड़ा कम ही लिखा गया था क्योंकि टाइम मुझे नहीं इतना मिला था. तो लेकिन व्हाट आई बिलीव फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस दैट योर क्वालिटी मैटर्स ओवर योर क्वांटिटी. बिकॉज इवन इफ आई हैड रिटन वेरी स्मॉल आंसर्स, नॉट वेरी स्मॉल बट एज कम्पेयर टू व्हाट वर्ड लिमिट दे हैड गिवन, आई हैड रिटन स्मॉल आंसर्स, बट आई थिंक इट डिड नॉट मैटर. मार्क्स आर येट टू कम, बट आई थिंक इफ आई हैव बीन थ्रू द एग्जामिनेशन फेस, सो आई मस्ट हैव स्कोर्ड वेल इन दोज एरियाज ऑल्सो. यस यस सर्टेनली. एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा बात आई थिंक मैं बताना चाहूंगा. कल भी हमारा यही डिस्कशन हो रहा था. तो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं या फिर अदरवाइज ऑल्सो लॉट ऑफ वर्किंग एस्पिरेंट्स, दे डिसाइड कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे. बट देन जो आरबीआई का सिलेबस है पहले तो वो छोटा है, उन्होंने एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं दिया है. और फिर कैसे गूगल, क्या टॉपिक्स गूगल करें और कैसे पढ़ें, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है.
तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इस साल अप्रैल में मैंने क्या किया, हमने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई एक्सेल में, जिसमें हम जो भी पढ़ाते हैं कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स, हमने बोला लेट्स क्रिएट एन एक्सेल शीट और उसको स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि अगर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, आप इन टॉपिक्स को भी गूगल करोगे एक एक टॉपिक को, तो भी आपको मेजर मेजर आपकी तैयारी हो जाए. तो उसको अब थोड़ा सा और रिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आरबीआई का एग्जाम आने वाला है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर यू नो गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन, और उसको भी वेबसाइट पे डालने का भी प्लान है. तो आई थिंक जो इस साल प्रिपेयर करेंगे दे कैन यूज दैट शीट जो मैं वेबसाइट पे डालूंगा, और उससे क्या होगा कि वो सिंप्लीफाई हो जाता है कि अच्छा ये टॉपिक्स मुझे करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स भी डाल दिए हैं, तो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द टॉपिक्स, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर द राइट. जैसे यूपीएससी में बहुत सारी 130 दिन की 150 दिन की स्ट्रैटेजी आती है, उसमें भी यही करते हैं बहुत सारे लोग. ठीक है, लेट्स मूव टू द इंटरव्यू पार्ट, बिकॉज इंटरव्यू मस्ट हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू फ्रॉम व्हाट आई कैन गैदर. 4 साल का ऑलमोस्ट गैप है, तो डिड दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एरिया, एंड इफ दे डिड हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड, किस तरह से टैकल किया? So, sir, first of all, I would like to thank you for taking my mock interview, in which you figured out my weak areas. So, first was, obviously, I was very nervous in that mock interview, and you told me how to get away with that nervousness. You had told me to make a list of topics and write down their answers. So, I had done that exercise, and as you said, you had said, as my knowledge base increased, my confidence also increased. And whatever I was feeling, in that mock interview, my heart was pumping fast, heartbeats were increasing. In actual interview, nothing of that sort happened, and I was very confident. So first of all, thank you to you and the other sir. Coming to your question, sir. The interview part, वो जो था कि उसमें मुझे बहुत सारी मेरा finance बहुत weak था. तो मैंने वो उस पर बहुत सारा इम्प्रूव किया. एंड योर क्वेश्चन अबाउट द गैप ऑफ 4 ईयर, सो उसमें ऑब्वियसली मेरा हर एक मोमेंट में वो फर्स्ट क्वेश्चन रहता था कि व्हाट वेर यू डूइंग फॉर लास्ट 4 ईयर. सो इन एक्चुअल इंटरव्यू ऑल्सो दे आस्क मी अबाउट माई 4 ईयर्स गैप. आई इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग यूपीएससी, आई जस्ट सेड सिविल सर्विसेस एंड स्टेट सिविल सर्विसेस एग्जाम आई हैड गिवन वन. So, but they did not ask any questions on my UPSC part. So he just asked me, you have opportunities in state government, you have opportunities in central government. So why do you want to come to RBI? Only that basic why RBI question. And apart from that, there was no questions on UPSC part. So, जो मैंने जो हम लोगों ने discuss किया था at the time of your interview, I remember very vaguely. So I had told you कि list बनाओ, questions बनाओ, उनके answers बनाओ. If you can repeat the same. तो क्योंकि क्या होता है कि हम जब तक इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उससे पहले वी डोंट डू दिस एक्सरसाइज, तो कई प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ दे आर नॉट फास्ट इनफ कि यार एक महीने में कवर कर पाएंगे या नहीं. सो यू शुड टेल देम नाउ प्रोबब्ली दे कैन गेट सीरियस इनफ कि यार अभी से बनाना शुरू कर देते हैं दैट लिस्ट. यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि आई वाज लकी कि इंटरव्यूज में मेरे को मुझे 3 मंथ का ये मिला, इंटरवल मिला बीच में बिकॉज ऑफ कोविड. बट नॉर्मली आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट, आई थिंक योर इंटरव्यू जस्ट स्टार्ट्स इन 15-20 डेज. So that is a very short period. So if anybody wants to be secure at that stage, so they can start making those question and answers right now also. Amazing. Chalo, before finishing off with the interview, any message that you want to send across to the students, anything that you feel that you should share with the students, with the future aspirants? Sir, I just want to share one of my experience regarding UPSC civil services. So in 2021 mains, which I had written in the January, so I was very confident of clearing mains. I was so overconfident, I would say, that I have given up on all the exams. I just said to myself, I have UPSC interview in my hand and I will not focus on other exams. So I think result, when result came out, it was a very humbling experience for me, because in competitive exams, you should take every exam you should give respect to every exam, and you should not take any exam lightly, because there are lakhs of aspirants trying, and even if you think you are working hard enough, there are many more people who are working more harder than you.
So I think that message I will give that if you are focusing on all these competitive exams, then be grounded and just prepare according to the process which has been followed by previous aspirants, and just explore other options also. Don't be adamant that I will appear only in this exam only. So that will be my message, sir. I think that's a beautiful message. That's very important. और मैं पिछले दो दिन से एक मूवी का मेंशन करे जा रहा हूँ, because that is in my mind. I recently saw that movie Bell Bottom. And okay. तो मैंने I think result was on Sunday I think, and I was watching it on Saturday. तो Saturday evening result came and I was watching it in the morning on Saturday. तो उसमें एक very interesting thing happened. अक्षय कुमार has plan A, he has plan B. And then he has a backup of plan B. And finally, right. In the movie, the backup of plan B works. So, yes. We have been taught from childhood that you should always have only plan A. Only then you are serious. Uh-huh. No plan B. And motivational videos, we also tell this. But I think it's very important to have that kind of a backup. Not because you are not serious, but because you are smart enough. Yes, right. focus on multiple things at the same time. दो तीन चीजें तो होनी चाहिए, दो तीन एग्जाम्स देने चाहिए. And as you said, हमें experience कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता है, and that helps all of students a lot. Yes, thanks a lot, Neeraj. I think it was a great experience talking to you, and I had a really nice time. I think the students are also going to learn and gather some very interesting information from your experience. Yes. Thank you, sir, for giving me this opportunity to share my experience. Thanks a lot. Thank you, everyone.